सत्यप्रकाश जी लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में 90 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। 90 सीटों की यदि बात करें तो यहां कांग्रेस अब 45 पर आगे है हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी अभी 36 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो आप ही देखिए कि हरियाणा के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, और इस वक्त ये एक बड़ा अपडेट है। 90 सीटों के जो रुझान आ चुके हैं हरियाणा से, वो आपको एक बार फिर से बता दें, दरअसल रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि ट्रेंड के अनुसार बीजेपी भी बढ़त बनाएगी, लेकिन यहां पर बिल्कुल रुझानों में एक बहुत बड़ा जो उलटफेर है वो भी देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आती हुई दिखाई दे रही है, और एक तरफ जहां शुरुआत में कांग्रेस आगे थी, काफी आगे थी, बीजेपी बहुत पीछे थी, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी सीट्स बढ़ाती जा रही है और बहुमत से इस वक्त कांग्रेस पीछे हो गई है। आप जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के अनुसार बहुमत में इस वक्त कांग्रेस पीछे हुई है, और कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जो ट्रेंड हरियाणा की राजनीति का रहा है विधानसभा चुनावों का, 2000 से लेकर 2019 तक में 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, और उसमें ट्रेंड के अनुसार बीजेपी सरकार में आएगी अगर वैसी ही परिपाटी चलती रही हरियाणा विधानसभा चुनाव की तो। और रुझानों में तो आप साफ तौर पर देख ही रहे हैं कि जो एग्जिट पोल की रुझान सामने आए थे उसमें कांग्रेस बहुमत में नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त हालांकि अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार इन आंकड़ों में चेंज नजर आएगा आपको। और सीधे रुक करेंगे हम डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हरियाणा का जिक्र है तो सीधे रुक करेंगे वह आलोक वत्स जी के पास। आलोक जी, आप इसको समझना चाहेंगे, क्योंकि भले यहां पर एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो 5 विधानसभा चुनाव 2000 से 2019 तक में देखें तो वहां पर जब भी पिछले विधानसभा चुनाव से मौजूदा चुनाव के जो परसेंटेज है वोटिंग के, अगर वो कम है या 1% या 2% भी बढ़े हैं, तो वहां पर मौजूदा सरकार या तो खुद या तो गठबंधन के साथ ही सत्ता में आती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो बीजेपी सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि देखिए, गठबंधन तो आज के दौर में मजबूरी है देश में जी, सारे पार्टियों के अंदर शायद ही कोई पार्टी है जो गठबंधन के अलावा अपना ताल ठोक गई, मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन हाँ, अब जो शुरू के रुझान थे जो, और अब का जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें लगता है, और मैंने पहले भी कहा था अन्य चैनलों पर भी, मैंने सुबह से बोला है कि शुरुआती दौर में चुनाव के कांग्रेस काफी लीड लिए हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए बीजेपी ने काफी चीजों को अपने पक्ष में करना चालू किया, और इसको कहते हैं ना, बहुत सारे लॉस काउंट को उन्होंने कवर करना चालू किया। उसी का रिजल्ट है ये नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ा और वेट कर दीजिए तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में चीजें काफी स्पष्ट हो जाएंगी, और किसकी सरकार वाकई में बनने जा रही है उसमें भी कहीं कोई संशय नहीं रह जाएगा। लेकिन जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, वहां पर तो एनसी और कांग्रेस का ये क्लियर लीक नजर आ रहा है, वो वहां के आवाम को कन्विंस करने में सफल रहे कि 370 और 35 सीट हमारे खिलाफ है, और हम जैसा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्विंस कर दिया था नॉर्थ इंडिया के खासकर वोटरों को कि अगर बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान पे फिर बल कर देगी, उसी तरीके से वहां पर ये 370 और 35 के विरुद्ध उन्होंने लोगों को कर दिया, और वहां पर उनकी सरकार क्लियर मेजोरिटी से बनता है। ठीक है, बिल्कुल। प्रेम जी से भी एक रिएक्शन लेंगे। प्रेम जी, अब जो आप बात कह रहे थे वो कुछ कुछ अब नजर भी आने लगी है कि ये तो रुझान है, ये अभी आगे पीछे चलते रहेंगे, अभी तक कांग्रेस को बहुमत था रुझानों में, और अब बहुमत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी भी नजर आ रही है। 40 और 43 का ये जो आंकड़ा है, बहुत कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। उससे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर फिरोजा पहनेंगे तो लाभ होगा, तो फिरोज भाई तो स्वयं बैठे, मुझे लगता लाभ तो होना ही है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ अगर सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे तो वहां मैंने पुनः कहा है, वहां राजनीति से बड़ी राष्ट्र नीति है, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर निर्णय लिए, अब चुनाव परिणाम जो भी हो लेकिन राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लेने थे वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 370-35 से राष्ट्र के खिलाफ थी। अगर अटल जी की बात करते हैं तो टाटा किसकी सरकार में, नरसिम्हा राव जी की सरकार में, हटाया किसने, कांग्रेस ने क्यों,
क्योंकि एक विशेष दल के लोग पकड़ा रहे थे, उसके बाद में कोटा अटल जी लेकर आए थे ना। अगर अटल जी का इतना ही सम्मान है तो कोटा क्यों हटा दिया कांग्रेस ने आते ही? ये प्रदर्शित करता है बात को कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि वहां से वे अलगाववाद दूर हो, वहां पर शांति स्थापित हो, लेकिन राजनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी है, चुनावी परिणाम जो भी हो। निश्चित रूप से फिरोज जी का भी एक रिएक्शन इस पर लेंगे। फिरोज जी, जो रुझान है वो आगे पीछे अभी चल रहे हैं, थोड़ा और समय इंतजार करना पड़ेगा, आपको बधाइयों के लिए। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की सवाल है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के सोचने का विषय है कि आपको घाटी में एक आदमी नहीं मिला चुनाव लड़ाने के लिए, लद्दाख से भी आपका आदमी चुनाव हार गया। वजह क्या है, क्यों आप अल्पसंख्यकों को, देश के अल्पसंख्यकों को आप अपने आप से दूर रखना चाहते हैं? कौन सी राष्ट्रनीति है ये? और दूसरों को कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, वो तो जम्मू में भी चुनाव लड़ रही है, घाटी में भी चुनाव लड़ रही है, लद्दाख में भी चुनाव लड़ रही है, एक आप ही ऐसे बिरले क्यों हैं? आपके सर पे सिंह तो हमें नजर नहीं आते कहीं। और उसके बाद जो आपकी राष्ट्रनीति है, तो ये कौन सी राष्ट्रनीति है कि जो देश के अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को हम दूर रखेंगे, अल्पसंख्यकों को हम साथ नहीं रखेंगे, संविधान को बदलने के में छेड़छाड़ करने की हम कोशिश करेंगे? वजह क्या है, यही तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि वजह क्या है? आपकी कैबिनेट में कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं बन सकता, आप किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देते, तो वजह क्या, ये कौन सी राष्ट्रनीति है? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि देश में, भारत के अंदर, कई सारे हिंदुस्तान के अंदर कई सारे हिंदुस्तान खड़ा करना आपकी राष्ट्रनीति है, या कौन सी राष्ट्रनीति है जिसको आप परिलक्षित करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, सवाल आपसे ही आज पूछा जाना चाहिए कि इतनी थोड़ा सा हरियाणा की राजनीति का भी हम बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस फिरोज जी, सवाल आपसे ही, कुछ नहीं होने वाला यहाँ, कुछ नहीं वो होने वाला यहाँ, हम 60 प्लस पे प्लस करेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वहाँ 30 सीटें बुरी तरीके से भर गई थी, और वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वहाँ, वहाँ अपने ही कैंडिडेट का पर्चे वापस कराए। मुझे हरियाणा की बात बोलिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। हाँ। लगातार खूब धुआंधार प्रचार प्रसार किया, जो जाट वोटर्स थे उन्होंने खूब कांग्रेस को खुले मंच से समर्थन किया, और बीजेपी का पुरजोर विरोध भी हुआ, दलित समुदाय भी बहुत विरोध करता हुआ नजर आया था, नाराजगी व्यक्त किया मौजूदा सरकार से। उसके बावजूद जो नाराजगी बीजेपी से वहां के लोगों की थी, उसे वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाई थी कांग्रेस? और हमने देखा है कि आखिरी दम तक बीजेपी के सीनियर लीडर्स लगातार लोगों के बीच में जाते रहे, उनका विरोध हो रहा था फिर भी जाते रहे हैं। और अभी देखिए आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मात्र एक सीट का रुझान का अंतर देखने को मिल रहा है। आऊंगे आपके पास, हरियाणा के रुझानों में एक बहुत बड़ा उलट फेर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस एक सीट कम हो चुकी है। आप ये देखिए, शुरुआती दौर में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी, बहुत आगे थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी 42 सीटों पर रुझानों में आगे है और कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है, और ये एक बहुत ही बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसा कि व्यास जी ने शुरू में ही कहा था कि ये अभी रुझान है, परिणाम आने में बहुत समय लग सकता है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है कि ये अभी वाकई जो बढ़त है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए उत्साह का विषय हो सकती है, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट जो नतीजे हैं उसमें हमें कुछ और इंतजार करना होगा। फिरोज जी, ईवीएम का मुद्दा अभी कहीं पीछे रहता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ईवीएम पर भी हम बात करेंगे, रिएक्शन आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं। और काफी गहमा गहमी अभी है यहाँ पर, जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा से सामने आ रही हैं, और रुझान की अगर बात करें तो रुझान भी यहाँ पर अब बदलते नजर आ रहे हैं। वो जो आगे पीछे का जो रेस चल रहा था, कोई आगे कोई पीछे, वो अब यहाँ काफी प्रभावी नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अब 41 बड़े रिलैक्स मोड में, आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से, आज के मौके से क्या हुआ कारवा, जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यू ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है, हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, ऐसी बात अक्सर
मैंने बुजुर्गों को कहते इस बार जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे। अभी तो दूर नहीं लग रहा। भाई इकट्ठा ही कर लो गल्ला गल्ला नहीं देखो देखो बच्चे को दे दीजिए सुन रहे थे। और अनिल विज अंबाला की उस चार सीटों पर बड़ा वर्चस्व रखते रहे जो अंबाला छावनी में है विधानसभा की वो चार सीटें अनिल विज के लिए हमेशा काम करती आई हैं और इस बार भी दावा किया जा रहा है इतनी एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो एग्जिट पोल्स के सर्वे उन सभी उनके बावजूद अनिल विज का ये दावा ठोक के कि वो ये चार सीटें बीजेपी को जीत कर देंगे और इस बारे में भी वो बात करते हैं तो बात वो करते हैं सीएम की कुर्सी के लिए भी। प्रेम व्यास जी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे। प्रेम व्यास जी ये सब तो अभी बीजेपी में होता नहीं था कांग्रेस पार्टी में हमने देखा अन्य दलों में देखा कि सीएम बनने के लिए पहले ही अपनी इच्छा को जाहिर कर देना अब ये बीजेपी में भी होने लगा। देखिए कहां ऐसा कोई भी एक नेता बताइए जिनने खुले तौर पर मंच से खुद को सीएम कैंडिडेट स्वीकार किया कि तो पहलवानों की आज नाराजगी है ऐसा है पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है नाराजगी होगी किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी नहीं नहीं अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने अभी उसका ताला लगा हुआ है देखते हैं अभी वो उठे होंगे आएंगे फैक्ट्री खोलेंगे फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे फिर उसमें से धुआं निकलेगा फिर देखते हैं जलेबी आती है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ हाँ ऐसे ही रहेगा आप देखना अभी अभी ये जो है ना जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी प्रोसेस है पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं फिर उनकी स्कैनिंग होती है फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है दूसरे पर गिनती हो रही है ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में और फरीदाबाद से हमारे साथ अनिल राठी जुड़ गए। अनिल इस वक्त फरीदाबाद में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए थे तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो बढ़त दिखाई दे रही थी लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से जो है वो मैदान में डटी हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के देखिए बल्लभगढ़ से जो प्रत्याशी हैं मूलचंद शर्मा वो लगभग 5500 वोटों से आगे हैं। पिथला की बात कर जाए तो टेकचंद शर्मा जो है वो लगभग 2500 वोटों से आगे हैं। राजेश नागर की बात कर जाए तो वो भी जो है वो लगभग 2000 से ऊपर वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। और वहीं फरीदाबाद 89 विधानसभा की बात कर जाए तो विपुल गोयल भी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए साथ ही साथ जिस तरीके से और नाइटी की बात करी जाए तो वहां पे नीरज शर्मा कांग्रेस के आगे हैं लेकिन बरखल में जो है वो दिनेश अदलखा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो आगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को पहले राउंड में जिस तरीके से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है तो उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और इलेक्शन की जो काउंटिंग है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है फरीदाबाद में इलेक्शन सेंटर्स पर किस तरह के इंतजाम हैं। जी बिल्कुल देखिए इलेक्शन काउंटिंग की बात करी जाए तो
तो देखिए हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो फरीदाबाद का जिक्र हो रहा था, विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। प्रथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं टेक चंद शर्मा, पहले राउंड के बाद 1838 वोटों से आगे चले हैं। बड़खल विधानसभा के पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार धनेश अदलखा 2503 वोटों से आगे चल रहे। इस तरीके से जो पल पल की अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप कांग्रेस